परसों भी आएगा। मैंने बचपन में मैंने दीवालों में लिखे देखा था कि सतयुग आएगा। जय गुरुदेव। रोकना चाहूंगी आपको, कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को सौंपा इस्तीफा, कमलनाथ ने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हुई है हत्या, जीतू पटवारी का बयान बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा ये कहना है जीतू पटवारी का, तो कमलनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। तो अभी तक आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कमलनाथ, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। 16 महीने का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ का इस्तीफा अब स्वीकार हुआ है या नहीं, ये आपसे कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सरकारी गाड़ी जो उनको अलॉट थी वो भी वापस कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर, कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा है, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनके पास जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक कार्यकारी मुख्यमंत्री कमलनाथ ही रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री कार्यकारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है जीतू पटवारी का कहना है, कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा ये भी बात कह रहे हैं। तो निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी इसी बीच कह दिया है कि वो नई सरकार को समर्थन देंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और इसी कड़ी में ये भी बता दें आपको कि नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी में था, मैं बीजेपी में हूं, मैं बीजेपी में रहूंगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लगातार पिछले 18 दिन से जो सियासी ड्रामा चल रहा था उसका क्लाइमेक्स आज यानी कि 20 मार्च को कंप्लीट हो गया है। निर्मल सिंह बैस वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निर्मल जी, क्या ताजा जानकारी इस वक्त आप दे पा रहे हैं? जैसा कि आप बता रही हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे और गवर्नर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और इसी के साथ सरकारी वाहन भी मुख्यमंत्री ने छोड़ दिया है। तो जो उम्मीदें नजर आ रही थी कि कहना चाहिए कि सम्मान के साथ विदाई, वो कहीं ना कहीं यहाँ मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है कमलनाथ, और उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इसके पहले जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मुख्यमंत्री ने ये जरूर आरोप लगाया बीजेपी पे कि उनकी मंशा तो बहुत अच्छे कामों के करने की थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा करने नहीं दिया। मतलब इस्तीफे के पहले मुख्यमंत्री ने जरूर तमाम आरोप जो है बीजेपी पर लगाए, और अब ये सूचना आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी के विधायक अब से कुछ देर बाद जो है विधानसभा पहुंचने वाले हैं। जी, इसी बीच जीतू पटवारी का भी बयान आ गया है, वो भी बीजेपी पे बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दोबारा फिर लौटेंगे। देखिए, राष्ट्र स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं ये, क्योंकि सत्ता 15 साल बाद मिली और 14 साल भी जो है कांग्रेस सरकार या कमलनाथ सरकार उसे संभाल कर नहीं रख सकी, और सारा का सारा दोष जो है बीजेपी के ऊपर मढ़ा जा रहा है। जबकि देखा जाए तो सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस अपने कुंडे को ही नहीं सहज के रख सकी, तो जो तिलमिलाहट है जैसे कि आप बता रही हैं पटवारी का बयान है, इसके अलावा अन्य मंत्रियों के बयान है, तो वो कहीं ना कहीं इस अल्पकालिक सरकार के जाने का गम भी जो है उसमें छिपा हुआ है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है, एक और खास जानकारी यह है रश कि जो प्रदीप जायसवाल हैं उन्होंने बीजेपी निर्दलीय विधायक जो है उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो जैसा कि जायसवाल ने अपने बयान में, ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी। त्रिपाठी जी, कमल घाट में फंस गए कमलनाथ।